Hello darlings, it's showtime. Well hello friends and welcome to another episode of Bollywood This Week. Well friends, मैं अमन अंसारी आप सभी लोगों का एक और release date episode में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ. क्या हो रहा है मेरा भाई? हाँ, बच्चे की जान लेगा. Well friends, आज के episode में हम धमाकेदार clash के बारे में तो discuss करेंगे ही. किस तरह से अब ये clash जो है वो बहुत ही जबरदस्त क्लैश होने वाला है एंड ये दोनों फिल्में इसका जो लाभ है वो डेफिनेटली उठाएगी एंड दोनों फिल्मों को धमाकेदार तरीके से कमाई होने वाली है बॉक्स ऑफिस पे. एंड अब आई एम टॉकिंग अबाउट ऑब्वियसली हेलो डार्लिंग इट्स शो टाइम प्रभास एंड एक खिलाड़ी सब पे भारी मिनी इंडस्ट्री खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार की दो फिल्मों के बारे में. कल रात को क्या लगा अक्षय कुमार की पृथ्वीराज बच्चन पांडे हाँ उसके बाद राम सेतु ये सारी की सारी फिल्में अलॉन्ग विद सूर्यवंशी का रिलीज अनाउंस हो गया. एंड कल ही मैंने डिस्कस किया कि अब रक्षाबंधन अतरंगी रे बची है. मैंने ऑब्वियसली 10 बजे से पहले एपिसोड बना दिया था एंड लास्ट एपिसोड में ही मैंने आपसे कहा था कि अब मैं कल सुबह एपिसोड बनाऊंगा क्योंकि आई हैड टू रिव्यू खतरों के खिलाड़ी इस फिनाले. एंड अक्षय कुमार रुका नहीं, अक्षय कुमार ने सोने नहीं दिया. और वो गाना है ना यार को मैंने मुझे यार ने सोने ना दिया. अरे सॉरी भाई, सुबह सुबह गाना गा के माँ बहन कर रहे हो. ओके गाइस, सो अक्षय कुमार ने उनका जो फेवरेट डे है यानी कि इंडिपेंडेंस डे, उस दिन अपनी एक और फिल्म की बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है. एंड गाइस दैट इज नन अदर देन रक्षाबंधन. बहुत लोग अक्षय कुमार की जो फिल्म लिस्ट है यानी कि आने वाली है उसमें लास्ट में रक्षाबंधन का नाम रख दिए है, लास्ट में अतरंगी रे का नाम रख दिए है. हाँ, जब उनको पता भी नहीं है कि उस फिल्म का कंटेंट क्या होने वाला है, उस फिल्म में क्या जबरदस्त होने वाला है. बड़ी फिल्म का मतलब ये नहीं होता कि एक्शन हो, कॉप यूनिवर्स हो या फिर यू नो हिस्टोरिकल हो. दैट ओनली डज नॉट क्वालिफाई इन अ बिग फिल्म. यस इट्स बिग इन टर्म्स ऑफ कंटेंट, बिग इन टर्म्स ऑफ बजट, लेकिन गाइज ये जो फिल्में आ रही है रक्षाबंधन एस्पेशली इट्स बिग ऑन इमोशन. It has Indian values, it has brother and sister sentiments. And trust me on this one, ये फिल्म उस तरह का धमाका करने की कैपेबिलिटी रखती है जो पवन कल्याण की अतिरिंद की दारिदी ने किया था. उसका इमोशनल कंटेंट के बारे में बात कर रहा हूँ. दोनों फिल्मों की स्टोरी इधर है इधर है वो पकड़ के मत बैठना. आई एम टेलिंग अबाउट द इमोशनल कंटेंट ऑफ दैट फिल्म वॉज सो स्ट्रॉन्ग. क्लाइमैक्स बहुत रुलाता है वो वाला. एंड यहाँ पर रक्षाबंधन उसी तरह का इमोशनल कंटेंट होने वाला है इस फिल्म का. एंड ये फिल्म आने वाली है 11 अगस्त 2022. सो इंडिपेंडेंस अक्षय कुमार ने बुक कर लिया, लेकिन वो कहता है ना हेलो डार्लिंग इट्स शो टाइम. कहा भैया बॉलीवुड वालों हिंदी फिल्म का रिलीज अनाउंस कर दिए, हाँ पाइन इंडिया फिल्म से पूछोगे नहीं. बॉलीवुड वाले आराम से रिलीज अनाउंस करते करते जा रहे हैं एंड वहां पर आरआरआर बची हुई है. केजीएफ के आसपास कोई भी नहीं आएगा. पुष्पा के साथ 83 भिड़ने वाली है. एंड चौथी जो धमाकेदार फिल्म है विच इज गोना मेक वेव्स इज आदि पुरुष. गाइस आदि पुरुष इज नॉट अ फिल्म, इट्स अ इमोशन. एंड जिस तरह का इमोशन अब देश में चल रहा है गाइस, एंड ये पूरा का पूरा प्रभु श्री राम यू नो एंड जिस तरह से एलिमेंट्स यू नो यहाँ पर ओम रॉज जी इस फिल्म में डालने वाले हैं गाइस एंड प्रभास एस प्रभु श्री राम, दैट फिल्म इज आउट ऑफ द वर्ल्ड गाइस. एंड वो एक VFX विजुअल मार्वल होने वाली वो छोटी फिल्म नहीं है, इट्स एन इवेंट फिल्म. यहाँ पर सबसे बड़ा फायदा ये है कि रक्षाबंधन अलग लीग की फिल्म है एंड आदि पुरुष एक अलग फिल्म है. दोनों की अलग अलग ऑडियंस है. यस स्क्रीन में मारा मारी होगी, स्क्रीन दोनों में बहुत टक्कर होने वाली है, लेकिन अब क्लैश को अवॉइड कर नहीं सकता. एंड बड़े रिलीज डेट्स पर क्लैश तो होगा ही, लेकिन हिंदी फिल्में क्लैश नहीं करेगी. उन्होंने आपस में बैठकर सब कल डिसाइड किया है, लेकिन पैन इंडिया फिल्म्स विल गिव अ क्लैश एंड कंपटीशन टू द हिंदी फिल्म्स. एक बॉलीवुड फिल्म के साथ एक पैन इंडिया फिल्म डेफिनेटली आएगी एंड ऐसे ही हुआ यहाँ पर. लेकिन गाइस यहाँ पर अब आदि पुरुष वालों ने सुबह सुबह रिलीज अनाउंस कर दी कल रात को. वॉट आई हैड प्लान्ड इज दैट इन मॉर्निंग आई विल मेक अ वीडियो ऑफ रक्षाबंधन, यात्रंगीरे मुंह में आ रहा है, रक्षाबंधन वर्सेस सलार या फिर आदि पुरुष. क्योंकि सभी लोगों को पता है सलार जो थी वो 14th अप्रैल 2022 को रिलीज होने वाली थी. ठीक है, उसके डेट पर होमबड़े फिल्म्स ने KGF चैप्टर 2 को लेकर आ गया. सो वेयर डज सलार गो नाउ? एंड सलार इज डेफिनेटली गोइंग टू
यू नो गेट ओवर बिफोर आदि पुरुष, उसकी जो शूटिंग है एंड उसका पोस्ट प्रोडक्शन भी हो ही जाएगा तब तक। तो अब गाइज यहाँ पर सबको लगा था कि यस आदि पुरुष जो है वो आगे निकल जाएगी एंड जो सनो आदि पुरुष का डेट है यानी कि इंडिपेंडेंस डे का, आदि पुरुष पहले से ही 11 अगस्त अनाउंस किया है उसने, ठीक है। एंड आदि पुरुष के डेट पर अब प्रभास अपनी फिल्म सलार जो है वो लेकर आएगा। लेकिन सुबह सुबह लुक एट द स्विफ्टनेस, सुबह सुबह एकदम जल्दी ताजा ताजा 9 बजे सुबह आदि पुरुष के मेकर्स ने सबको प्रेस रिलीज भेज दिया कि प्रभास आदि पुरुष लॉक्स कन्फर्म्स 11 तारीख का डेट, यानी कि प्रभास, सैफ अली खान, कृति सानन, सनी सिंह, हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, यानी कि अब सलार कहाँ जाएगी। 14 अप्रैल तो KGF चैप्टर 2 आ रही है एंड उसके बाद यहाँ पर प्रभास की फिल्म 11 अगस्त को आ रही है एंड उसके बाद आदेशम इज कमिंग इन जनवरी, अगस्त यहाँ पर आदि पुरुष आ रही है। तो अब आई थिंक सलार आदि पुरुष के बाद आएगी, पहले आएगी, किस तरह से होमबले फिल्म उसको डिवाइड करता है ये आने वाले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल गाइज यहाँ पर रक्षाबंधन वर्सेस आदि पुरुष द क्लैश ऑफ द टाइटंस, खिलाड़ी कुमार विच इज अंडरडॉग फिल्म विच विल सरप्राइज एवरीबॉडी, मार्क माय वर्ड्स। एंड म्यूजिक वाह, बहने देती 100% रिटर्न, बहुत जबरदस्त म्यूजिक है इस फिल्म का। एंड गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि ये रिलीज डेट इतना खास क्यों बनता है। दिस इज द बिगेस्ट डेट ऑफ 2022। अगर किसी को अपनी फिल्म अनाउंस करनी है दिवाली, ईद, क्रिसमस, इंडिपेंडेंस, रिपब्लिक डे, यू नो ये सब, होली, गांधी जयंती, ये छोड़कर अगर कोई डेट था ना तो वो था ये वाला डेट। क्यों, सुनो ध्यान से। अगस्त 11th, यस फ्रेंड्स, अगस्त 11th का जो डेट है ऑब्वियसली उस दिन रक्षाबंधन है, उस दिन छुट्टी होगी, बहुत अच्छा डेट है, मतलब फेस्टिविटीज होती है वहां पर, मजा आएगा देख के, वो है थर्सडे। उसके बाद 12th ऑब्वियसली फ्राइडे आता है तो उस दिन फिल्म रिलीज ही होती है। 13th इज अ सैटरडे, 14th इज अ संडे एंड 15th इज इंडिपेंडेंस डे, यानी कि 11, 12, 13, 14, 15 5 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड मिलेगा गाइस, 5 दिनों का एक्सटेंडेड वीकेंड। रुको भैया, रुको भैया, अभी और बाकी है। 16th को पारसी न्यू ईयर, फैबुलस डेट। एंड गाइज उसके बाद जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो 18 तारीख को आने वाला है, यानी कि पूरा एक हफ्ता गाइज, कैन यू बिलीव इट, एक हफ्ता पूरा। रक्षाबंधन तो फाड़ के निकल जाएगी, आदि पुरुष तो स्काई इज द लिमिट, वो फिल्म का कोई कंपेरिजन नहीं है किसी का, वो एक एपिक फिल्म है। प्रभास इज मेकिंग एपिक फिल्म्स, इवेंट फिल्म्स, राधेश्याम इज एन इवेंट फिल्म, सलार इज एन इवेंट फिल्म, हाँ, एंड आदि पुरुष इज एन इवेंट फिल्म, तो उनकी जो इवेंट फिल्म आने वाली है तो वो तो खतरनाक 7 दिन में तो फाड़ के निकल जाएगी। सो गाइस बहुत बड़ा रिलीज डेट है एंड ये क्लैश जो है वो दोनों फिल्मों के लिए लाभदायक होगा, इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। अक्षय कुमार इज नथिंग टू लूज, क्योंकि छोटी बजट की पिक्चर है, आराम से उसका 4 गुना कमा के निकल जाएगी एंड आदि पुरुष तो कमाई कमाएगी। प्रभु श्री राम को, यू नो प्रभास, यू नो जिस तरह प्रभु श्री राम का किरदार निभाएंगे वो देखने में एक अलग ही मजा होगा ओम राज जी के साथ। सारी साइनिंग ऑफ, यू विल सी वेरी सून एंड मोर अनाउंसमेंट्स कमिंग इन, नोटिफिकेशंस ऑन करके रखो, स्टे कूल मैन।